चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी भोपाल से, जहां चुनावी प्रचार में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। जीतू पटवारी सतना, साथ ही नरसिंहपुर से लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले। साथ ही कमलनाथ छिंदवाड़ा में लोगों से मुलाकात करेंगे, दिग्विजय सिंह राजगढ़ में जनसंपर्क करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। एक तरफ भाजपा जहां प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं पर अब कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करें या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर आम लोगों से मुलाकात की जाएगी, प्रचार किया जाएगा और जनसंपर्क भी इन दिग्गजों के द्वारा किया जाएगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति के वो बड़े चेहरे हैं जिनके तहत अगर जब भी कमान संभाली जाती है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब यही प्रचार की कमान संभालते हुए मध्य प्रदेश में नजर आने वाले, ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या इस बार के परिणाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है या फिर मिशन 29 पर निकल चुकी बीजेपी एक बार फिर से मिशन 29 को हासिल कर पाएगी? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जीतू पटवारी आज जो है राहुल गांधी के साथ सतना दौरे पे रहेंगे, इसके अलावा नरसिंहपुर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं कमलनाथ जो है लोगों से बातचीत करेंगे, छिंदवाड़ा में रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर दिग्विजय सिंह की बात करूँ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे और राजगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, हालांकि खुद वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में तीनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में जो है चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अगर जीतू पटवारी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आज वो सतना में रहेंगे, राहुल गांधी के साथ जो है सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे और सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में यहां पर समर्थन करेंगे। ये वही सिद्धार्थ कुशवाहा है, 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के गणेश तिवारी को हराकर जो है चुनावी मैदान में जीत फतेह की थी। हालांकि वो सांसद थे, बावजूद इसके भी उनको हरा दिया था और पार्टी ने फिर जो है सिद्धार्थ कुशवाहा पर भरोसा जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्गज को चुनाव मैदान में हराकर अपना वर्चस्व बनाकर रखना एक कहीं ना कहीं बड़ी बात होती। तो ऐसे में आज जो है खुद राहुल गांधी और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे और यहां से ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर राजगढ़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो है लगातार पैदल यात्रा कर रहे, लोगों से संवाद कर रहे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में पैदल यात्रा के जरिए ही जो है दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में 15-18 साल बाद जो सत्ता में वापसी की थी, तो वो बड़ी बात होती। ऐसे में अपने लोकसभा चुनाव में पैदल यात्रा करना और जनता के बीच में जाना कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देता है और जो प्रभाव डालता है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, शबाना, 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हार का सामना करना पड़ा था। फिर से जी जी बिल्कुल, अगर शबाना हम बात करें दिग्विजय सिंह की, तो राजधानी भोपाल में उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था और करारी शिकस्त बीजेपी प्रत्याशी से मिली थी, लेकिन इस बार अपने गढ़ से उतर रहे, तो क्या दिग्विजय सिंह को इस गढ़ में विजय मिल पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल, अगर आप 2019 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वो मैदान में थे, हालांकि भोपाल उनका गढ़ नहीं था, फिर भी अगर मैं वोट की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनको उस हिसाब से वोट मिल गए थे जिस हिसाब से जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 35 साल से वर्चस्व नहीं है। हालांकि उनके पास वोट प्रतिशत था और बीजेपी का जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत था उस समय 2019 लोकसभा चुनाव में वो बढ़ा था। हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीत गई थी, लेकिन देखेंगे आप किस तरीके से उनके बैड परफॉर्मेंस की वजह से उनका टिकट काट दिया गया और भोपाल से जो है आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर अपने गढ़ की बात करूं और अन्य लोगों के गढ़ की बात करूं, चूंकि यहां पर बीजेपी 35 साल से, ऐसे में दिग्विजय सिंह वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, लेकिन अपने गढ़ में कहीं ना कहीं वो लोगों से मिलकर ये दिखा देंगे कि हमने राजगढ़ के लिए क्या किया, हमने राजगढ़ के विकास के लिए क्या किया। चूंकि जब आप अपने गढ़ से मैदान में होते तो कहीं ना कहीं जनता पे आप प्रभाव डाल देते, चूंकि आप वो मुख्यमंत्री थे 10 साल मध्य प्रदेश के, ऐसे में उन्होंने अपने जिले का विकास किया, अपने लोगों के साथ काम किया और उनके बेटे लगातार मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व
मंत्री रहे और ऐसे में विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव जनता के बीच जाता है, क्योंकि जनता ये सोचने की कोशिश करती है कि जो भी हमारे क्षेत्र में बेहतर काम करेगा हम उसको यहाँ से जिताएंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री रहे तो जाहिर सी बात है अपने गढ़ में तो उन्होंने काम किया है, ऐसे में देखना होगा कि जो है दिग्विजय सिंह को कितनी वहां की जनता प्यार करती है और उनके पैदल यात्रा या पैदल राजधानी भोपाल की जनता ने तो नकार दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने गढ़ से इस बार चुनावी मैदान में है तो क्या वो इस बार अपनी साख बचा पाते हैं, क्या अपने गढ़ को बचा पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार प्रचार प्रसार जारी है और इसी के तहत जीतू पटवारी, कमलनाथ और उसके साथ ही दिग्विजय सिंह अपनी अपनी लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं।